सभी को मेरा राम राम और जो हिंद और वंदे मातरम। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, सरकार के लिए और आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं के लिए। ये बंदे ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, बहुत ही अच्छे है, जो हर एक सवाल को जो पॉइंट टू पॉइंट बात करी है। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो देखना चाहिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या भाई ये जो विरोध हो रहा है किसका कारण हो रहा है, क्या मैटर है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं इस वीडियो की और देखते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं कि क्या क्या बात हो रही है। चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सर अब हमारे पास कोई रिएक्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि जो भी एक आशा एक उम्मीद परिवार की हमारी जो सपने थे वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। सर मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग भारतीय वायुसेना के 2020 के वैकेंसी, जिसमें हम लोग की नवंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ, हम लोग स्टार इनटेक एक्स वाई ग्रुप के एग्ज़ाम को पास किए, उतनी कड़ी फिजिकल टेस्ट को पास किए, और यह वही ग्राउंड गांधी मैदान है जहां हम लोग 5-5 राउंड इसका दौड़ा करते थे। फिजिकल कंप्लीट करने के बाद हम लोग की मेडिकल प्रक्रिया हुई, मेडिकल प्रक्रिया में हम लोगों ने ग्रीन कार्ड पाया, यानी कि हम लोग सफल हुए। ग्रीन कार्ड के बाद हम लोग का जो है मेरिट लिस्ट जारी किया, जिसको PSL बोलते हैं एयरफोर्स की भाषा में, उसमें हमारी 1357 रैंक है, मेरे दोस्तों की 200 रैंक है। हम लोगों ने सब प्रक्रिया हासिल कर ली थी, लेकिन जिस प्रकार से हमें वेबसाइट के माध्यम से CASB, वो क्या है कि एयरफोर्स की सिलेक्शन की बोर्ड है, उसने कहा कि आप लोग वेट कीजिए, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आपका इनरोलमेंट लिस्ट डिले कर दिया गया है। सर हम लोगों ने सब्र के साथ संयम के साथ, हम और हमारे परिवार के लोग, हमारे पिताजी रोज फ़ोन किया करते थे कि आखिर हम लोग की प्रक्रिया में देर क्यों है, लेकिन अफसरों ने कहा, उस CASB बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि कोरोना के चलते और प्रशासनिक कारणों के चलते आप लोग सब्र रखें, आप लोग की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। लेकिन सर एक साल बीत जाने के बाद हम सभी लोगों ने जब देखा कि सब्र का बांध टूट रहा है, हम लोग की आकांक्षाएं और सपने टूट रहे हैं, तो हम लोगों ने जंतर मंतर दिल्ली पे घेराव करने का और शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करने का काम किया। उस मीटिंग में राजनाथ सिंह देश के माननीय रक्षा मंत्री भी आए थे, उन्होंने हमें ये वचन दिया, हम लोगों से वादा किया कि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जो बची हुई है, जो ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं, वो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। लेकिन सर दो दिन पहले तीनों सेना के प्रमुखों ने और माननीय रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि अब भारतीय वायुसेना या भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया को अग्निपथ स्कीम के द्वारा अग्निवीर के तहत लिया जाएगा। सर हमारी क्या गलती थी बता दो हमें, हमारी क्या गलती थी सर, हमने तो फ्रेश इनरोलमेंट फ्रेश काम किया था, हमारी वैकेंसी में तो बस ज्वाइनिंग ही बाकी था सर। और ख़ास बात तो यह है सर कि हम गरीब माता पिता और किसान मजदूर के बेटे हैं सर, हम लोगों ने वो सब प्रक्रिया हासिल करने के बाद हमारे माता पिताओं के घरों में, हमारे घरों में लोगों ने खुशी का उत्सव मनाया, हमने मिठाइयाँ भी बांटा, लेकिन आज 3 दिन बीतने के बाद आज का बस 2 मिनट पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस यह स्पष्ट कर दिया है। BR चौधरी, अनिल पुरी, इन तमाम लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी बात किया गया, तो इन लोगों ने बोला कि अब जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो केवल अग्निपथ स्कीम से ही होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि सर क्या बताइए आप कि जो भर्ती प्रक्रिया में बस ज्वाइनिंग लेटर बाकी था उन लोगों तो आप ले लिए होते, आगे की प्रक्रिया तो भविष्य की है, उस पर आप विचार करते, उसको आप लोग सुनिश्चित करते। लेकिन BR चौधरी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट बहुत दिन हो गया मेडिकल किए हुए, तो हो सकता है इसलिए हम उनकी प्रक्रिया जो है शुरू से अग्निपथ से करेंगे। सर आप हमारी मेडिकल फिर से ले लेते, हम तैयार हैं, हमारे 7000 जो वायु सैनिक हैं, हमारे जितने भी वायुसेना के लोग जो ज्वाइनिंग के तैयार कर रहे हैं, हम सब डंके की चोट पे कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री जी, वायुसेना के चीफ जी, आप हमारा मेडिकल कर लो, हमें कोई अफसोस नहीं है, आप बाहर का भी रास्ता दिखाओगे तो हम बाहर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपकी तो नीति बस ये है कि किसी तरह अगर इन लोग का मेडिकल ले लेंगे तो इन लोग को परमानेंट करना पड़ जाएगा, इसलिए आपने क्या किया कि अग्निपथ स्कीम से करेंगे तो उसमें बहुत सारे लड़के आउट चले जाएंगे और जिसको रखना भी होगा तो उसको बस अग्निपथ स्कीम से 4 साल रखना पड़ेगा। अरे सर हम गरीब के बेटे हैं सर, ठेला खींचने वाले और मजदूर के बेटे हैं सर, ऐसा अन्याय हमारे साथ मत करिए सर। और एक बात बताना चाहते हैं, तुम लाख गिनाओ अपने फायदे अग्निपथ और अग्निवीर की योजना की, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कभी कब्र पे हवेली नहीं बनती है, कभी कब्र पे कभी आपका बंगला नहीं बन सकता है, और अगर तुम उस बंगले उस 7000 बेटों का उन दर्दों का अगर तुम कब्र
बना के अग्निपथ स्कीम भी लागू करोगे तो हमारी माँ रोएगी। और कल का न्यूज देख लो सर आप, कल के न्यूज में मोदी जी की माता जी का बर्थडे था। मैं सम्मान के साथ कहता हूँ कि मोदी जी ने कहा कि माँ एक शब्द नहीं है, लेकिन सर कल मेरी माँ ने रोया है, कल मेरी माँ ने फूट के कहा है कि बेटा तुम्हारे लिए तो मेरे अंदर बहुत सपना था कि तुम नौकरी पा जाओगे तो गरीबी दूर हो जाएगा। मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी आपकी माँ एक माँ नहीं है, हमारी भी माँ है। उन 7,000 माताओं का क्या जिनके आंखों में आंसू था, उनके शब्दों में दर्द था, उनकी बातें सर दबी हुई थी। सर हमारी माता के बारे में ध्यान दे दो, हमारे 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 जो थल सेना, रक्षा सेना और जल सेना के जितने अधिकारी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि सर 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा दर्द मत भुलाओ सर, हमारे हमारे इस आंसू को तुम खून के आंसू की तरह समझो, क्योंकि ये आंसू ही सिर्फ नहीं है। और सर ये जो हमारा हाथ था, वो हाथ तिरंगे झंडे को सैल्यूट करने के लिए पैदा हुए थे, माँ भारती के लिए पैदा हुए थे कि हम जब जाएंगे सेना में तो एक सम्मान की जिंदगी जिएंगे। लेकिन किस प्रकार से आज ये कहा गया है कि 4 साल भर्ती के बाद आपको कॉरपोरेट सेक्टर में लोन दिया जाएगा। हमको तुम लोन दोगे? हम पैसा के लिए आए थे यहाँ। और खास बात बता दूं सर कि जब एक एयरफोर्स, एक सिपाही आर्मी और किसी मिलिट्री के सैनिक की भर्ती होती है तो उसकी सैलरी 40,000 प्रत्येक महीना होती है, उसमें उसको मेडिकल फैसिलिटी हर एक दिया जाता है अलग से। लेकिन अब ये स्कीम जो है वो 21,000 महीना देगी और हमारे पैसे को काट कर ये लोग बोल रहा है कि आप लोग को तो 12 लाख रुपया एक मुफ्त दिया जाएगा। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो सर, हम भी विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं, क्या मूर्ख बना रहे हो, छलने का मत करो। इतना भी गरीब है लेकिन हमारे माता पिता ने उस गरीबी में भी हमें पढ़ने का हमेशा अधिकार दिया है। हम हार नहीं मान सकते हैं, हम कोर्ट तक भी जाएंगे। हम मानते हैं हम गरीब हैं लेकिन हम इस लोकतंत्र को भरोसा करते हैं और लोकतंत्र में हम लोग जाएंगे और हमने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वो अलग बात है कि हम सफल होना हो, लेकिन अपनी उस माँ के आंखों आंसू को, अपने पिता के दर्द को कभी हम लोग हार नहीं मानने देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। और एक बात मोदी जी स्पष्ट कह देना चाहते हैं, एक बात कान खोल के सुन लीजिए बड़े सम्मान के साथ, कि हम कभी अडानी और अंबानी की उनके फैक्ट्री में जय हिंद नहीं कहने वाले हैं जो आप सोच रहे हैं। और 55 साल नौकरी करने के बाद सेना में आप उनको नौकरी क्या देते हो? उनको नौकरी देते हो गार्ड बन जाओ, ATM गार्ड बना देते हो, बैंक गार्ड बना देते हो। अरे साहब, जब 55 साल नौकरी करने के बाद एक देश का महान योद्धा जब बैंक का सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता है, तो आप हम 4 साल का जो अग्निपथ अग्निवीर से जो लड़के रिटर्न होके आएंगे उसके लिए तुम ये जो छलावा कर रहे हो कि उनके लिए हम कॉरपोरेट सेक्टर में भेज देंगे, क्या मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो मोदी जी? जो पहले रिटायर हुए उनको तो ध्यान दिया नहीं, अब हमें मूर्ख बना रहे हो। और अगर आप हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो मोदी जी, आप बिजनेस हमारे साथ कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि आप अगर 71 साल की उम्र में देश के शासन व्यवस्था को चला सकते हो तो आप हमें 22 साल के रिटायर करना चाहते हो? अरे हमारे शरीर में अभी भी वो युवा जोश है, वो लहर है, और ये बिहार की धरती है। और मैं संपूर्ण भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ कि बिहार और पूरे भारत के हिंदू मुसलमान मेरे भाइयों, एक बात कहना चाहता हूँ कि आज देश की सेना पे जो चोट किया गया है, आज आप लोग, मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आज आप लोग साथ हो जाइए। अगर आज साथ आप लोग नहीं हुए तो आप लोग की आने वाली नस्लें पूछेंगी कि पिताजी जब देश की सेनाओं को प्राइवेट किया जा रहा था, जब देश के नौजवानों के साथ छला जा रहा था, तो आप लोग खड़े क्यों नहीं हुए? अरे हिंदू मुसलमान करके देश का बहुत सारी सरकारी संस्थाएं बेच दिया गया, हमारी क्या गलती थी सर? इसलिए मेरी बातों को आप लोग एक तरह संदेश भी समझो, और हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारी भर्ती कर दो, इसके लिए हमें बर्बाद न करो साहब, हमारी क्या गलती थी? तुम स्कीम लाओ, वो भविष्य की बातें हैं, लेकिन 7,000 लोगों की कब्र को मत खोदो, वो 7,000 लोगों की बद्दुआएं तुम्हें लगेंगी। और हम चाहते हैं कि हम देश के शान में आन में देश के लिए अगर सर्वोच्च बलिदान भी देना होगा तो हम खड़े होंगे। सर्वोच्च बलिदान के लिए कभी लोग, देश के लोग कभी पैसे के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हम ये बात कहना चाहते हैं, हम देश की सेवा जरूर करेंगे और मरते दम तक करेंगे। और तुम्हारे इस नियम के खिलाफ, इस संवैधानिक कार्य के खिलाफ हम देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे। मैं आपसे अब ये सवाल पूछना चाहूँगा, अभी जब बात कर रहे थे आप बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, मेरा सीधा सवाल है, रास्ता तो आपके लिए खोला है, उन्होंने कहा है भर्ती प्रक्रिया हमने रोकी है लेकिन अग्निपथ के जरिए रास्ता तो आपके लिए खुला है ना, तो क्या आप उसको अपनाएंगे, क्या आप अग्निपथ के जरिए भर्ती प्रक्रिया में दोबारा से जाएंगे? सर जब हमारी फ्रेश प्रक्रिया
जब हमारी हर एक कार्य हो जाने के बाद बस ज्वाइनिंग लेटर बचा हुआ था उसको आप निराधार कर देते हो। पहले तो इनकी क्राइटेरिया ये थी कि 17.5 से 21 साल के युवक जो है भारतीय सेना में जाएंगे, लेकिन अब जब देखें कि हमारा इन्वॉल्वमेंट लिस्ट जो एयरफोर्स की 2 सालों से लड़का ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा है उसका एज तो बढ़ गया है 21 साल से, तो ये लोग फिर जो है हमारे दबाव में शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोगों ने किया तो उसके दबाव में लोगों ने 23 साल काम करने का प्रयास किया। सर हम तो कतई नहीं जाना चाहेंगे, हम सर 4 साल के इनके असंवैधानिक कार्यों को करने नहीं जाएंगे, हम मानते हैं, लेकिन सर गरीब कितने भी हों लेकिन जिस तरह से हमारे साथ छला गया है सर उसको हम बर्दाश्त काम नहीं करने देंगे। सर हम लोग कतई इस किसी भी हिंसात्मक कार्यों का समर्थन नहीं करते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि सभी भी लोग जितने भी एयरफोर्स नेवी और आर्मी के कैंडिडेट्स हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से एक तरह संवैधानिक रास्ता अपना के एक नया रास्ता को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हिंसात्मक रेलवे से किसी भी सरकारी संपत्ति का कोई विध्वंस करता है उसकी हम लोग कड़ी निंदा भी करते हैं। और ख़ास बात और बता दें कि जितने भी हमारे जो बच्चे हमारे साथ जो बिहार के लड़के हैं एयरफोर्स के हैं जितने भी हमारे भाई हैं कभी किसी सरकारी संपत्ति को हमने नुकसान नहीं पहुँचाया है। जो आपने सवाल पूछा कि आप रेगुलर भर्ती पे जाना चाहते थे अब अग्निपथ स्कीम आई है तो उसमें भी चले जाते, तो मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहता हूँ सर कि इस देश के रक्षा मंत्री जी से जो ये बोल रहे हैं कि देश का बहुत सारा पेंशन का पैसा जो पेंशन में लग रहा है उसको घटा देते हैं तो देश के आर्मी को मॉडर्नाइज और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने का फैसला ये कदम सराहनीय होगा। सर आप इस देश के रक्षा मंत्री हैं, हम पूरे ईमानदारी के साथ और प्रैक्टिकल बात बोलते हैं, आप अपने विधानसभा का विधायक रहे विधायक का पेंशन छोड़िए, आप सांसद रहे सांसद का पेंशन छोड़िए, आप अपने पार्टी का तमाम जो पेंशन लोग धारक बैठा हुआ है उसको आप उसको ट्रेन के अलाउंस जो देते हैं उसको बंद करिए। क्यों वे सैनिकों को और गरीबों के बच्चों पे ये तानाशाही वाला नियम क्यों थोपा जाता है? क्यों गरीब है इसलिए आप ये थोपते हो? ये क्यों बोला जाता है राजनाथ सिंह जी? और एक बात और, राजनाथ सिंह जी आपके बेटे क्यों नहीं डिफेंस सर्विस में आए बता दो? आपका बेटा तो आज विधानसभा में एमएलए है, मैं उसका कोई भी उसका विरोध नहीं करता हूँ, एमएलए बने, गरीब का बच्चा कैसे बनेगा सर? आज माननीय गृह मंत्री के बेटे तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाते हैं, कोषाध्यक्ष बन जाते हैं, उनपे कोई कार्रवाई नहीं होती, आखिर हमारे ऊपर ही नियम क्यों थोपा जाता है? हमने रिटर्न परीक्षा क्वालिफाई किया सर और इस देश के नागरिक हैं और इस देश का नागरिक हम जानते हैं कि हमारा हक अधिकार क्या है। और 4 साल जो आप अग्निपथ स्कीम ला रहे हो उसके बाद 4 साल के बाद तो बता दो कि क्या करने वाले हो हमारे साथ? ये हमारे भाई, हम इनके बेटे हैं सर जो पानी बेचता है इस गांधी मैदान में, जो टॉफी बेचता है, जो पानी बेचता है, चाय बेचता है। और एक बात और सर, हमको आज शक हो रहा है मोदी जी पे। मोदी जी एक बात बता दीजिए हमको आज कि आप कैसे कहते हो कि हम बचपन में चाय बेचा करते थे? अगर आप चाय बेचा किया होते चाय बेचा करते तो आपको गरीबों का दर्द मालूम हुआ होता। आप बताइए कि आप चाय कहां बेचा करते? सर हम नहीं बोलना चाहते इस बात को, हम ये बात को नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन बोलता हूं, गरीब जानता है कि गरीब के घर में क्या दिक्कत है। हमारी बहनें हैं 12 लाख रुपया सर क्या होता है, उनकी शादी करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, हमारे पिताजी बीमार पड़ेंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? और मोदी जी आप बताओ कि आप चाय कहां बेचा करते थे? मैं उस पॉलिटिकल गेम में नहीं फंसना चाहता हूं, लेकिन आपका मैं अच्छे से जवाब दे दिया कि अगर ये नेताओं के साथ पेंशन व्यवस्था लागू होती है, अगर इन नेताओं को 71 साल में कुर्सी और विधानसभा लोकसभा लड़ने का अधिकार है तो इस देश के नौजवान जो कि 18 साल में भर्ती होते हैं उनको 22 साल की और परिश्रम करने के बाद तुम उनको निकालने का प्रयास क्यों करते हो? ये बता दो आप, करोड़ों रुपया कॉरपोरेट सेक्टर का तो माफ कर देते हो लेकिन गरीबों का क्या होगा, हम मजदूर किसानों का क्या होगा? लेकिन एक सवाल यह भी है कि दुनिया भर में सेनाएं मॉडर्नाइज हो रही हैं, अब उस संख्या में जवान नहीं चाहिए, मॉडर्न मशीनरी ने मॉडर्न हथियारों ने उसकी जगह ले ली है, तो अगर सरकार खर्च कम करने के लिए सैनिकों की संख्या को कम कर रही है तो कैसे करे? आपके पास कोई रास्ता है? बता रहे हैं सर, आप यहाँ पे एक बात कहना चाहते हैं कि कुछ चुनिंदे देशों में जो है टूर ऑफ ड्यूटी लागू है, आप ये बात कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आपके सवाल से ये तो स्पष्ट हो गया है कि आप कह रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी लागू है तो भारत में भी टूर ऑफ ड्यूटी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और एक बात मैं बता दूं कि जो आप इजराइल और बाकी जो देश हैं जिनके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं सर, वो बहुत लिटरेट देश हैं, उनकी जनसंख्या भी बहुत कम है। और आपको बता दें कि आपकी देश की लिटरेसी रेट कितनी है?
आप जाओ गांवों में, आप जाओ उस खेत खलियानों में जहां बच्चा 4 बजे सर निकलता है घर से और घर से निकलने के बाद दौड़ता है, पसीने से लुप्त होकर घर पे आके बेचारा गिर जाता है, पापा मजदूरी करके फल बेच के सब्जी बेच के आता है घर पे तो घर का खर्चा निकलता है, उस बच्चे के बारे में कौन ध्यान देगा? गरीब सेना में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अंबानी का बेटा जाएगा क्या सेना में? लेकिन जो ये सरकार का तर्क है कि हम बच्चे को उसके जीवन के उस दौर में जब उसे सबसे ज्यादा अनुशासन की जरूरत होती है हम उसे अनुशासित करेंगे, मिलिट्री सर्विस में मौका देंगे और उसके बाद एक मुश्त पैसा भी देंगे, तो बहुत से ऐसे बच्चे जो आज खाली बैठे हैं घरों में, बेरोजगार बैठे हैं, जो बहुत हाई एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, क्या उनके लिए ये अग्निपथ बहुत अच्छा सम्मानजनक तरीके से एक रोजगार पाने का या देश की सेवा करने का मौका नहीं होगा? बहुत बहुत आपका ये सवाल है बहुत कीमती है और उस कीमती सवाल का जवाब भी हम कीमती से देना चाहेंगे। आप तब ये भी बता दो कि जब आप अग्निपथ स्कीम के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो तो आप क्यों कब्र खोने हमारी? आप 7,000 बच्चों का क्यों बर्बाद जिंदगी किया? क्या हम लोग युवा नहीं थे जब हम मेडिकल पास किए तो हम लोग की उम्र केवल 18 साल थी? जब हम लोग की उम्र 18 साल थी तो अगर हम लोग भी सेना में जाते तो कोई हमारी सेना युवा होती? तो आखिर हमारी जिंदगी को बर्बाद करके आप ये दलील देते हो कि सेना मॉडर्नाइज हो गई, तो हमारी क्या गलती थी उसमें सर? आखिर ये दलील भी पेश करो कि आखिर हम लोग का कब्र क्यों खोना आपने? इसके बाद आप अग्निपथ और अग्निवीर की स्कीम के बारे में बात करते हैं। हम लोग की जो कहा गया है कि अग्निवीर में फिर से न्यू रिक्रूटमेंट होगी, फिर से फेज 1 की परीक्षाएं होंगी, जो प्रक्रियाएं फिर से करना पड़ेगा सर, उसकी हम लोग प्रक्रिया में फिर शामिल नहीं होना चाहते हैं। अगर ये अग्निपथ और अग्निवीर में करेंगे तो सर आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी, तो आप करने को तैयार हैं? एकदम सर बोल रहे हैं कि आप एक बात बताइए कि जिसके पास कपड़ा नहीं है पहनने को, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, सर हम देखिए बाध्य हैं। आप फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं इस बात को? हम ही नहीं, अगर इस नौकरी को हम छोड़ भी देते हैं तो बहुत सारे इस देश के गरीब के बच्चे जाएंगे।